राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ वालों के लिए आने वाले एक स्वर्ण काल की, जो आपके लिए सफलता के रास्तों को खोल देगा। भाग्य उदय के जैसा ये आपके लिए समय हो सकता है। जीवन में धन व कैरियर को लेकर ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। देखिए, ज्योतिष में इंसान के लिए जो सफलता का स्वर्ण काल या भाग्य उदय का समय, उसे कहते हैं जब कोई अति शुभ ग्रह जो कि कुंडली में भी शुभ स्थिति में हो, वो अपनी महादशा या अंतरदशा में लंबी अवधि तक रहे, या गोचर में कम से कम दो या दो से ज्यादा ग्रह शुभ स्थिति में लंबी अवधि तक रहे। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी नवंबर 2023 से जून 2024 तक के बीच के 8 महीने काफी शुभता आपको देने वाले हैं। कुंभ वालों के लिए ये सफलता के स्वर्ण काल की तरह साबित हो सकते हैं। भाग्य उदय जैसा ये आपके लिए समय रहने वाला है, जिसमें आपकी सारी इच्छाएं व आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी, आपकी योजनाओं को आप पूरा कर पाएंगे। इस पीरियड में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेंगे, वो भविष्य में सही साबित होंगे। गोचर में लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहने वाले ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनका महत्व, इनके गोचर फल का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की, जैसे कि व्यापार में स्थायित्व लाना, शिक्षा व करियर में विजन सेट करना, विवाह करने की योजना बनाना, संतान प्राप्ति के बारे में सोचना, तो इन सब घटनाओं में समय लगता है, योजना बनाकर चलना पड़ता है। इसलिए गोचर में लंबी अवधि तक जो ग्रह एक ही राशि में भ्रमण करते हैं, उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। कुंभ राशि वालों के लिए भी बृहस्पति, शनि, राहु, केतु की जो स्थिति है, वो नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में कुछ इस तरीके की रहने वाली है, जो आपके लिए सफलता के स्वर्ण काल से कम साबित नहीं होगी। आपका भाग्य उदय इस समय में हो सकता है। इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपका कुंभ लगन है तो भी आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। राशि या लगन नहीं पता है तो नाम की राशि से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में घरों का क्या व्यापक परिवर्तन हो रहा है, घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपके पहले भाव में ही रहेंगे कुंभ राशि में, और 4 नवंबर से वो मार्गी हो जाएंगे। नवंबर से जो जून 2024 का पीरियड है, इन 8 महीनों में वो मार्गी ही रहेंगे। आपके जो तीसरा भाव है उसमें बना हुआ चंडाल दोष 30 अक्टूबर को भंग हो जाएगा। राहु वहां से निकलकर आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो बृहस्पति आपके तीसरे भाव में प्रबल हो जाएंगे। केतु आपके नवम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव में रहेंगे अगले 18 महीनों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके लिए पहले और 12वें भाव के स्वामी है। कुंभ वालों के लिए शनिदेव पिछले 2.5-3 वर्षों से बहुत शुभता इन्होंने नहीं दी है कुंभ वालों को, क्योंकि पहले प्रथम चरण की 7.5 रही, पहले भाव का स्वामी होकर वो 12वें भाव में गोचर में रहे, तो विचारों में आपके नकारात्मकता रही, मानसिक अस्थिरता रही, स्वास्थ्य पक्ष भी कमजोर रहा, आपके महत्वपूर्ण निर्णय गलत साबित हुए, आपके जीवन में बाहरी लोगों की जो दखलंदाजी है वो भी बहुत बढ़ी, जिससे आपको नुकसान हुआ। इसी वर्ष शनिदेव ने अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 17 जनवरी 2023 को प्रवेश किया था पहले भाव में, तो ये काफी शुभता आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो फिर वक्री हो गए। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं होता है, वक्री ग्रह अपने से पिछले भाव का भी फल देता है, तो शनिदेव ने फिर से 12वें भाव का भी आपको फल दिया। कुल मिलाकर पिछले 2.5-3 वर्षों में राशि स्वामी की स्थिति कुंभ वालों के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन अब 4 नवंबर 2023 से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, अपनी सीधी चाल से चलेंगे, और 30 जून 2024 तक वो मार्गी गति से ही संचरण करेंगे, उनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 30 जून 2024 को ही वो फिर से मार्गी होंगे। अब इन 8 महीनों में शनिदेव काफी शुभता आपको देने वाले हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में पहले भाव में रहेंगे, शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे, लेकिन मध्य चरण की जो 7.5 है वो भी आपको चल रही है, मतलब आपके जो जन्म के चंद्रमा है उनके ऊपर से शनि इस वक्त गुजर रहे हैं। सैटर्न इज ट्रांजिटिंग ओवर योर बर्थ मून। तो चंद्रमा आपका, क्योंकि देखिए मन और मस्तिष्क का स्वामी है, और शनिदेव कारक है अनुशासन के, कंसिस्टेंट हार्डवर्क के, जिम्मेदारियों के, तो 7.5 में मन पर प्रेशर तो आपके बढ़ेगा, जिम्मेदारियां, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज 7.5 में बढ़ती हैं। अगर आप मानसिक तौर पर जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार नहीं है, एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आप रेडी नहीं है, तो ही आपको परेशानी होती है। लेकिन 4 नवंबर 2023 से शनिदेव का मार्गी गति से चलना आपको मानसिक और शारीरिक मजबूती देगा, जिसमें 7.5 में भी आप जीवन को बेहतर बना पाएंगे।
अब पहले भाव का स्वामी पहले भाव में ही है तो ये काफी मजबूत स्थिति बनती है। देखिए जो लग्नेश है आपका राशि का स्वामी, यदि वो सुधरता है, मजबूत स्थिति में है, तो आपका पूरा जीवन सुधर जाता है, क्योंकि पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ही बाकी के 8 घरों और 11 भावों के फल को भोगता है। इन 8 महीनों में आप सेल्फ सेंटर्ड स्वार्थी हो जाएंगे, अपने लिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, जो कि अच्छी बात है। विपरीत परिस्थितियों में भी आशावादी रहेंगे। करियर, नौकरी, व्यवसाय के मामले में शनिदेव मेहनत करवाएंगे आपसे इन 8 महीनों में। इन 8 महीनों में की गई मेहनत का फल आने वाले समय में लंबे समय तक आपको लाभ देगा। अपने दम पर कुछ नया करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे। रोजगार के कारक व लग्नेश शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके करियर के भाव दशम भाव पर जाएगी, और दूसरे भाव में बैठे राहु की दृष्टि भी, उनकी 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर जाएगी। तो आपका 10वां भाव विशेष तौर पर एक्टिव रहेगा आने वाले 8 महीनों में। ये जो प्रभाव होता है, 2 गोचरीय घरों का प्रभाव, द्विगृह गोचरीय प्रभाव, इसको डबल ट्रांजिट इम्पैक्ट कहते हैं, ये काफी शुभ परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा। करियर के लिए नए अवसर मिलेंगे, कैसा भी मन चाह परिवर्तन है वो आप कर पाएंगे, करियर में विस्तार कर पाएंगे। देखिए ज्योतिष में माना जाता है कि जो लग्नेश है पहले भाव का स्वामी, उसका प्रभाव सभी भावों के लिए शुभ ही होता है। तो वृश्चिक राशि आपके 10वें भाव में, तो कहने को शनिदेव की ये शत्रु दृष्टि है, लेकिन आपके राशि के स्वामी है तो वो 10वें भाव की भी वृद्धि ही करेंगे। सोशल इमेज आपकी बेहतर हो जाएगी, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, वर्क पॉलिटिक्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिन कुंभ वालों को नौकरी की तलाश है उनकी तलाश भी खत्म होगी, इस पीरियड के दौरान उन्हें बेहतर नौकरी मिल सकती है। 10वें भाव की तरह ही द्विग्रही गोचरीय प्रभाव, डबल ट्रांजिट इफेक्ट आपके 3रे भाव में भी रहेगा। धन व लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति 30 अक्टूबर के बाद प्रबल हो जाएंगे आपके 3रे भाव में। चंडाल दोष जो आपके जीवन में परेशानियों को बढ़ा रहा था वो भंग हो जाएगा 30 अक्टूबर को। बृहस्पति राहु के दूषित प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। देखिए कुंभ वालों के लिए धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर आर्थिक मामलों में बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं, और शनि की 3री दृष्टि, राशि स्वामी की 3री दृष्टि भी आपके 3रे भाव पर रहेगी, जो कि वृद्धि करेगी 3रे भाव की, क्योंकि शनि लग्नेश है। तो चंडाल दोष की वजह से जो आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं चल रही थी, फिजूल की यात्राएं हो रही थी, भाई बहन, नजदीकी रिश्तेदारों से संबंध आपके खराब हो रहे थे, ये सब परेशानियां 30 अक्टूबर के बाद नवंबर से दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब सही योजनाएं आप बना पाएंगे, साहस पराक्रम को आपके सही दिशा मिलेगी। यदि कुंभ वाले कम्युनिकेशन, बैंकिंग, राइटिंग, पब्लिकेशन, एजुकेशन, टीचिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, इन सब व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, तो समय बेहतर हो जाएगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा, टूर एंड ट्रेवल से, विदेशी कार्यों से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से यदि आप जुड़े हैं तो भी आपके लिए लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं। 7वें भाव पर भी द्विग्रही गोचरीय प्रभाव आपके रहने वाला है इन 8 महीनों में। लगने शनि की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी, और बृहस्पति की 3रे भाव से 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर आएगी, तो व्यापार के लिए लाभदायक स्थितियां रहेंगी। नया व्यापार यदि शुरू करना चाहते हैं, व्यापारिक विस्तार करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। व्यापारिक साझेदारियों से भी आपको शुभता मिलेगी। पिछले 2.5-3 वर्षों से चंडाल दोष की दृष्टि 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर रही, तथा राशि स्वामी शनि जो है वो 12वें भाव में रहे, तो अगर आप किसी गलत रिश्ते में फंस गए थे तो उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको इन 8 महीनों में मिल सकता है। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में जो कुंभ वाले विवाह करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, विवाह के अच्छे प्रस्ताव आपको मिलेंगे। 1 मई 2024 से बृहस्पति आपके 4th भाव में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले नवंबर 23 से अप्रैल 2024 के बीच में आपके लिए विवाह योग रहेगा। बृहस्पति की जो 9वीं सब ग्रही दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर रहेगी, बृहस्पति आपके लाभेश हैं, तो मेहनत का फल आपको पूरा मिल जाए इस बात को वो सुनिश्चित करते हैं। भाई बहनों, नजदीकी रिश्तेदारों से भी आपको लाभ होगा। इनकम के सोर्सेज के बारे में दूरदर्शिता आपकी बढ़ेगी, लंबे समय की प्लानिंग आप बना पाएंगे। राहु 30 अक्टूबर के बाद आपके 2रे भाव में रहेंगे अगले 18 महीनों के लिए। राहु चतुर चालाक बोलने वाला आपको बनाएगा, धन के पीछे आप भागेंगे, धन की बचत बढ़ेगी भी, अचानक धन लाभ की संभावना भी रहेगी। राहु के जो डिस्पोजिटर है राशि स्वामी बृहस्पति, वो आपके पराक्रम भाव में रहेंगे, तो
तो धन प्राप्ति के लिए मेहनत की जो दिशा है वो भी सही रहने की संभावना है। फिर भी राहु एक छाया ग्रह है, भ्रम के कारक है, तो धन के बड़े लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। शॉर्टकट से पैसा बनाने के अवसर आपको राहु दिला सकते हैं, झूठ बोलकर डीलिंग्स करना इन सब की प्रेरणा भी दे सकते हैं, इनसे आपको सावधान रहना है। नशा, गलत खान पान, इनकी टेंडेंसी को भी राहु बढ़ाएगा। दांत, आंख, गले के रोग भी आपको दे सकता है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे अगले 18 महीनों के लिए, तो जो भी डीप नॉलेज से जुड़े हुए कुंभ वाले हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, रिसर्च से, अकल्ट तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, उनके लिए अचानक धन लाभ होने की संभावना को केतु की अष्टम भाव में स्थिति दिखाती है। जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं से आप घबराएंगे नहीं, गुप्त शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो पैतृक संपत्ति का मामला है वो उलझ सकता है, उसके लिए केतु का प्रभाव शुभ नहीं रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, जीवन साथी के धन यानी कि ज्वाइंट एसेट में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इन लाज पे जो आपके ससुराल पक्ष है उससे भी आपके कहीं ना कहीं संबंधों के लिए केतु का प्रभाव शुभ नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, कुंभ वालों के लिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में जो लंबी अवधि के ग्रह हैं गोचर में, बृहस्पति, शनि, राहु, इनकी स्थिति बहुत शुभ रहने वाली है आपके लिए। काफी मजबूत स्थिति में वो दिखाई देते हैं, जो कि आपके लिए सफलता के स्वर्ण काल को ला सकते हैं। आपका भाग्य उदय इस पीरियड में हो सकता है। आप अपनी योजनाओं को इसके अनुसार बनाएं, इसको समझकर और इसका लाभ उठाएं। इस समय की शुभता को बढ़ाने के लिए आप बृहस्पतिवार को मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान करें और केले की पौधा जो रहता है, केले का पौधा, उसकी आप पूजा करें। हल्दी मिला हुआ जल उसकी जड़ में डालें, वहां पर दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। गुड़ और अनाज का दान आपको इतवार यानी कि रविवार या मंगलवार को करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव के मंदिर में संध्या के बाद देसी घी का दीपक जलाएं और वहीं पर शनि के मंत्र का जप करें 10-15 मिनट, ओम शंग शनेश्चराय नमः, तो आपका लाभ बढ़ जाएगा। राम राम।